दोस्तों, मैं स्मिता और आपका अपने चैनल जायका गजब का में स्वागत करती हूँ। त्योहारों और मिठाई की सीरीज में मैं आज आपके साथ गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करूंगी कि इसको हम घर पे आसानी से कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, आज मैं जो आपके साथ गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ उसमें ना तो मैं मैदे का यूज करूंगी, ना ही खोए का और ना ही पनीर का। तो चलिए देखते हैं कि ये गुलाब जामुन कैसे बनेगा। यहाँ मैंने आधा कटोरी आटा लिया है और आधा ही कटोरी यहाँ पे मैंने दूध का पाउडर लिया है। आप कोई भी दूध का पाउडर ले सकते हैं। चौथाई चम्मच यहाँ पे मैंने मीठा सोडा लिया है, जो खाने का सोडा होता है। और अब हम इन सब चीजों को अच्छी तरह से छान देंगे। चलिए, अब हम इसमें करीब 1.5 चम्मच देसी घी डालेंगे। एक कटोरी में हम करीब 1.5 चम्मच देसी घी डालते हैं। थोड़ा ज्यादा कम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब हम इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिला देंगे। देसी घी डालने के बाद आपको बहुत अच्छी तरह से सारी चीजों को मिलाना है कि जिससे गुलाब जामुन बहुत सॉफ्ट बने। ये इतने टेस्टी गुलाब जामुन बनते हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप आटे का बनाए हैं और हम बाजार का गुलाब जामुन नहीं खा रहे। इसका टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा होता है। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। दूध की मात्रा बहुत थोड़ा थोड़ा डालिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा दूध की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसका हम एक चिपचिपा सा डो बना लेंगे। देखिए, इस तरह से बहुत टाइट नहीं होना चाहिए। इसका जो भी हम डो बनाते हैं वो काफी चिपचिपा होता है क्योंकि इसमें दूध का पाउडर डालने की वजह से ये काफी चिपचिपा हो जाता है। ये देखिए इस तरह से। और इसको करीब 1.5 से 2 मिनट तक ले रखें। ये देखिए, बहुत कम दूध लिया मैं, 1/4 गिलास से भी कम दूध ली थी। और अब हम अपने हाथों में घी लगा के या तेल लगा करके और छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। गुलाब जामुन का साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसमें कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। जब भी आप इसको गुलाब जामुन बनाइए तो कहीं से ये फटना नहीं चाहिए। वैसे ये काफी चिकना बनता है, इसको बनाने में कोई बहुत ज्यादा परेशानी हमें नहीं होती है। इस तरह से हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। एक कटोरी में करीब 7 से 8 बॉल्स बनकर तैयार हो जाते हैं। अब हम बस इसमें एक बॉल डाल के चेक कर लेंगे कि कहीं ये फट तो नहीं रही है। गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रखेंगे क्योंकि अगर गैस हाई पे रहेगा तो ये ऊपर से तो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा लेकिन अंदर से हमारे गुलाब जामुन कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये कहीं से भी फटा नहीं। इसका मतलब जो हमने सारी चीजें डाली है वो परफेक्ट है। अगर गुलाब जामुन फटता है तो आप उसमें 1 चम्मच या 1/2 चम्मच आटा आप डाल दीजिए, उसके बाद गुलाब जामुन बिल्कुल नहीं फटेंगे। लेकिन ये परफेक्ट होता है कि जितना आप आटा लीजिए उतना ही आप दूध का पाउडर लीजिए। ये देखिए, अब हम इस तरह से सारे बॉल्स डाल के और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। इसमें करीब 6 से 7 मिनट का टाइम लग जाता है। इसको हमें लो और मीडियम के बीच में करके धीरे धीरे तलना है कि जिससे कि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए, अभी भी आपको गुलाब जामुन साइज में थोड़े से बड़े लग रहे होंगे। अभी जब हम इसको चासनी में डालेंगे तो ये और बड़े हो जाएंगे। इसको हम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। कभी भी आटे का गुलाब जामुन जब हम बनाते हैं तो चासनी पहले नहीं बनाते हैं, उसका भी एक कारण है, वो अभी मैं आपको बाद में बताती हूँ। चलिए, गुलाब जामुन बनके तैयार हो गए, अब हम चासनी बनाते हैं। यहाँ मैंने 1 कटोरी चीनी लिया है और उसमें 1/4 कटोरी हम पानी डालेंगे। आप जिस भी कटोरी से आटा या वो दूध का पाउडर लेते हैं उसी कटोरी से आप 1 कटोरी चीनी लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने 2 इलायची कूट के डाल दी है जिससे कि गुलाब जामुन में उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। देखिए, चीनी मेरी बिल्कुल साफ है इसलिए मुझे इसको साफ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके यहाँ चीनी गंदी है तो आप उसमें 1 चम्मच दूध डाल के और ऊपर सारी गंदगी आ जाएगी उसको इस तरह से साफ कर लेंगे। हमें इसकी किसी तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस ये चिपचिपी होनी चाहिए। तो जब चाशनी में एक उबाल आ जाए तो बस आप घड़ी से देख के 1.5 से 2 मिनट तक की चाशनी को उबाल लीजिए। अब हम गैस का फ्लेम लो करेंगे और जो हमने गुलाब जामुन बनाया था उसको हम इसमें डाल देंगे। अब इसको हम 1.5 से 2 मिनट तक के लिए लो और मीडियम के बीच में फ्लेम करके हमें गुलाब जामुन को चाशनी में उबालना है।
इसीलिए जब भी माटे का गुलाब जामुन बनाते हैं तो चाशनी कभी प्याली नहीं बनाते हैं। ये देखिए 1.5 मिनट करीब हो गया है, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हम आधे घंटे तक के लिए ढक करके रख देंगे। ये देखिए आधा घंटा हो गया है और गुलाब जामुन देखिए परफेक्ट बन के तैयार है। 1.5 मिनट हम इसको उबालेंगे, उसके बाद फिर उसको हम ढक करके रख देंगे। ये देखिए अंदर से भी ये कितना सॉफ्ट बना हुआ है, तो एक बार आप इसको फेस्टिवल में जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।